स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज हम देखने वाले हैं सॉल्टी सीड्स को। सॉल्टी सीड्स के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सॉल्टी सीड्स बेसिकली जंपर्स होते हैं स्पाइडर वर्ल्ड के। आपने भी अपने घरों में दीवारों पर छोटे नन्हे सब स्पाइडर्स को जम करते हुए देखा होगा। इन्हीं को जंपर्स कहा जाता है। सॉल्टी सीड फैमिली को बिलोंग करते हैं और मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन्हीं सॉल्टी सीड फैमिली में जो भारत में पाई जाती है घरों में बिल्डिंग में, उसी को आप देखने वाले हैं। इस स्पीसीज का नाम है प्लेक्सिपस पेकुली और आप जो स्पाइडर देख रहे हो ये स्पेसिमेन है फीमेल, यानी प्लेक्सिपस पेकुली के फीमेल को आज देखेंगे। दो डिफरेंट स्पेसिमेन में आपको दिखाऊंगा जो मुझे एक साथ मिले थे। तो एक थोड़ा सा यंग है और दूसरा बहुत ज़्यादा यंग। आप जो देख रहे हो ये बहुत यंग फीमेल है प्लेक्सिपस पेकुली की। इसके बाद हम जो देखेंगे वो थोड़ी इससे बड़ी उम्र में होगी। तो इसको स्पीसीज को पैन ट्रॉपिकल जंपर भी कहा जाता है। और सबसे यूनिक बात होती है इन स्पीसीज में कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमको देखने मिलता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का रंग अलग होता है, दोनों अलग दिखाई पड़ते हैं। और मेल जो है वो ब्लैक और वाइट कलर का होता है, फीमेल थोड़ी ऐसी सैंडी कलर की होती है और कई सारे उस पर स्पॉट्स बने होते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान होता है। बहुत ये देखिए, ये है उसी स्पीसीज की थोड़ी बड़ी फीमेल। प्लेक्सिपस पेकुली पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पर, जहाँ पर मैंने उस स्पीसीज के बारे में बात की थी। आज इसको डॉक्यूमेंट करने के हेतु मैंने इस वीडियो को बनाया है। साथ ही मैं देखते देखते मैं आपको जंपर्स के बारे में, सॉल्टी सीड फैमिली के मेंबर्स के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। जंपिंग स्पाइडर्स को रिकॉर्ड करने का सबसे मज़ा आता है, क्योंकि इनकी जो बड़ी बड़ी आंखें होती है इनकी विजन बहुत ही बढ़िया होती है। तो हर वक्त जब आप इनको रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सब कुछ देख रहे हैं, आपके कैमरा को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर है कि क्या हो रहा है इनके आसपास। स्पाइडर सचमुच बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्रिएचर्स होते हैं। जितना आप इनको समझोगे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग क्रिएचर्स होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेहद खूबसूरत होते हैं सॉल्टी सीड फैमिली के मेंबर्स और स्पाइडर्स इन जनरल। इनका यूनिक बिहेवियर होता है, इनके वेब जिसमें तरह तरह के वेब ये बनाते हैं, ऑफ वीवर होते हैं और भी जो अलग अलग प्रकार के वेब तैयार करते हैं उनके हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और वीवर्स पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अब वो भी चैनल पर देख सकते हैं। ये जो सॉल्टी सीड है ये बहुत इलेबोरेट वेब नहीं तैयार करते, लेकिन अपने सिल्क का इस्तेमाल ये क्रिवाइसिस में छोटा सा वेब बनाने के लिए करते हैं और फिर शिकार करते हैं। सारे स्पाइडर्स जो है प्रेडेटर्स होते हैं। स्पाइडर्स एक प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है और ये बहुत ज़्यादा कुशल शिकारी होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अगर देखें तो इनकी 50,000 से ज़्यादा स्पीसीज स्पाइडर्स की दुनिया में देखी जाती है और बहुत सारे कलर्स में साइज़ में आते हैं। जहाँ पर टेरेंटुला एक हाथ जितना, हथेली जितना बड़ा होता है, तो इन नन्हे जंपर्स जो कि बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर्स से भी छोटे होते हैं। और प्रेडेटर्स होने के नाते ये बायो कंट्रोल का काम करते हैं और दूसरी आर्थ्रोपॉड की पॉपुलेशन को, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का इनका रोल होता है। जो सॉल्टी सीड फैमिली है स्पाइडर्स की, जिसमें जंपर्स आते हैं, ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स फैमिली है स्पाइडर्स की। और दुनिया में 5,800 से ज़्यादा स्पीसीज देखी जाती है। भारत में 200 के करीब स्पीसीज है सॉल्टी सीड फैमिली की। इनके जंपिंग मूवमेंट्स के कारण इनको जंपर्स कहा जाता है। अगर देखें तो ये अपने साइज के 30 गुना ज़्यादा जंप मार सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट फीचर होता है इनका वो है इनकी आंखें। और इनकी जो आंखें होती है वो बहुत ज़्यादा
सुपीरियर और कॉम्प्लेक्स होती है। ये इनकी आईसाइट्स जो है वो डिटेक्ट और सिलेक्टिवली रिफ्लेक्ट कर सकती है यूवी लाइट को। तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग ग्रुप है। इनकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, एक एक करके मैं भी इनको डॉक्यूमेंट करते जाऊंगा। इस चैनल पर आपको और भी जंपर्स आगे देखने मिलेंगे।